देवास में जियो और जीने दो का अमर संदेश देकर दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले जैन जगत के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक दिवस महावीर जयंती आज देवास नगर के समग्र जैन समाज द्वारा अपूर्व उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। संपूर्ण नगर महावीरमय बन गया। महावीर प्रभु के जन्मोत्सव की खुशियां मनाते हुए श्रद्धालु नौजवान झूमते नाचते चल रहे थे। चांदी के 4 सुसज्जित रथ में बैठकर जब भगवान महावीर स्वामी नगर भ्रमण पर विशाल शोभा यात्रा के साथ निकले तो श्रीफल एवं अक्षत से अपने प्यारे प्रभु की अगवानी के श्रद्धालु दौड़े चले आए। इस अवसर पर शोभा यात्रा का मार्ग में अनेक धार्मिक सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं ने स्वागत किया। शोभा यात्रा व कलश यात्रा प्रातः 8:30 बजे से श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर से निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष तथा बच्चे शामिल थे। नव युवक व नव युवतियों ने विशेष परिधान धारण किए थे। विशाल जन समुदाय को समाहित किए हुए यह शोभा यात्रा अनेक आकर्षणों से सुसज्जित थी। सबसे आगे अश्वारोही दल केशरिया ध्वज था में चल रहा था। महावीर स्वामी के जीवन चरित्र की नैनाभिराम झांकी ने सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। नवयुवकों में अपूर्व उत्साह था जो देखते ही बनता था। बालिकाएं आकर्षक डांडिया रास प्रस्तुत कर रही थी। महिलाओं की विशाल संख्या मस्तक पर 108 कलश लेकर कतारबद्ध चल रही थी। दिगंबर जैन समाज का दिव्य उद्घोष बैंड अपनी अनुपम कलाकृति को प्रस्तुत करते हुए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इसके बाद चांदी के 4 सुसज्जित रथ में विराजमान थे प्रभु महावीर स्वामी। भगवान की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु में होड़ लगी हुई थी। संपूर्ण वातावरण भगवान महावीर के जय जयकार एवं भगवान महावीर का अमर संदेश जियो और जीने दो के नारों से गुंजायमान हो रहा था। महिलाओं का विशाल समूह मंगल गीत गाते हुए चल रहा था। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में समस्त देवास दिगंबर सितंबर जैन समाज का एक सामूहिक प्रेरणादायक घोड़ा आज निकल रहा है, जिसमें देवास के जैन समाज के सभी महिला पुरुष बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक शामिल हुए हैं। यह पूरे देश का एक ऐसा शहर है देवास, जहां पर सामूहिक रूप से आज दिगंबर सितंबर जैन समाज का एक सामूहिक जुलूस निकल रहा है। आपने देखा होगा इसमें 4 चांदी के रथ, भव्य बैंड बाजे और बहुत से और अपनी बहनें छोटी छोटी बालिकाएँ सिर पर कलश धारण किए चल रही है। और यह जैन समाज के लिए गौरव की बात है कि आज संपूर्ण जगत के जियो और जीनो दे के सिद्धांत को पालन करवाने वाले भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण को उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। अच्छा, जुलूस कहाँ से प्रारंभ हुआ है? यह जुलूस संकेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न जैन मंदिरों के दर्शन करते हुए वापस संकेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर ही समाप्त होगा। आपका नाम? भरत चौधरी, संयोजक महावीर जयंती उत्सव समिति देवास। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।